नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कन्नौज से आ रही बड़ी खबर के साथ। हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों की संदिग्ध मौत हो चुकी है, परिजनों ने ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। बेहद दुखद खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, कल रात हुई थी। आपको बताते चले, मजदूर रामलाल की मौत, परिजनों ने साइट पर शव रखकर बंद काम पूरा बंद करा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच कर रही है। गुरसहाय गंज के गठिया कछपुरा का ये पूरा निवास मामला है, जो मृतक है वो यहीं का रहने वाला था। बड़ी खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, परिजनों ने साइट पर शव रख दिया। शव रखकर वो प्रदर्शन करने लगे, आरोप ये लगाया कि ठेकेदार ने उन लोगों की हत्या की। बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कन्नौज से। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। कछपुरा का निवासी था मृतक युवक, और परिजनों ने आरोप ठेकेदार पर लगाया। बड़ी खबर महत्वपूर्ण है, आपको रूबरू करा देते हैं। दो बहनों से इटावा में गैंगरेप, पुलिस ने केस दर्ज कर तीन लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। महिला थाने से घर लौटते समय गैंगरेप हुआ था। दो सगी बहनों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। इटावा के सैफाई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर बलात्कार जैसे जघन अपराध को अंजाम दिया गया था, गैंगरेप हुआ था। आपको बताते चले, दोनों बहनों के साथ में महिला थाने से घर लौटते समय इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अब जो है आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जांच करते हुए इटावा के सफाई थाना की जो पुलिस है उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दो बहनों से इटावा में गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, छानबीन कर रही थी, जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर तीन लड़कों को हिरासत में भी ले लिया है। उत्तर प्रदेश के राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्साह देखने को मिला, कहना है दिनेश शर्मा का। शिक्षक सम्मेलन में भी भारी उत्साह है। शर्मा ने कहा है कि वेस्ट यूपी में अलग बदलाव दिखाई दे रहा है। कोरोना में विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ ट्वीट किए, धरातल पर उतर कर किसी तरीके का कोई काम नहीं किया। चुनाव के समय ही विपक्षी पार्टियां सक्रिय हो गई थी। शर्मा का बयान आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। दिनेश शर्मा का बड़ा बयान है, उन्होंने कहा है कि कोविड टाइम में विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ ट्वीट किए हैं। ट्वीट के जरिए अपने राजनीतिक एजेंडे को सीधा करने की कोशिश की गई, और अब जब पांच राज्यों में चुनाव पास आ चुके हैं, खास करके उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो अब विपक्षी पार्टियां सक्रिय होने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही हैं। तो विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आने के कारण उसे टेक ऑफ करने से रोका गया। इस फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदुलाजे सवार थी, जो कर्नाटक के बेंगलुरु से उड़ान भर रही थी। बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही एयर इंडिया की इस फ्लाइट को शाम लगभग 6:45 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। गनीमत की बात यह रही कि टेक ऑफ से तुरंत पहले इस खराबी का पता चल गया। ऐसे में पायलट विमान को रनवे से वापस पार्किंग में ले आया। इसके बाद एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट को लाया गया, जिसमें मंत्री और अन्य यात्रियों ने सफर किया। शोभा करंदलाजे केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं, और आपको यह भी बता दें कि मंत्री के दफ्तर की ओर से जारी बयान के मुताबिक शोभा एयरपोर्ट के लॉन्च में ही इंतजार कर रही थी दूसरी फ्लाइट का।